वेलकम टू रैकअप एकेडमी रैकअप एकेडमी में आपका स्वागत है तो एकेडमी आप लोग का आर का पार्ट फर्स्ट दिया था जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ पी और आर के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया था उसमें क्वेश्चंस भी एकेडमी ने तीन से चार डाला था आई होप वो क्वेश्चन भी आप लोग ईजिली सॉल्व कर चुके कर चुके होंगे उस थ्योरी के भी आप हाँ पे और आज हम लोग देखने चल रहे हैं बाई द वे मैं देखें जो आज टॉपिक है उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं डिस्कसन ये करना चाहता हूँ बाई द पे मेरे पास कोई कुछ को टाइप का स्ट्रक्चर है और उसमें कंक्रीट का बना किस है किसका बना है बाई देबे कंक्रीट का स्ट्रक्चर है अब कंक्रीट जो होता है वो किस किस चीज से मिल, मिलके बना होता है आप उसमें सेमेंट होता है आपका फाइन एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट होता है जिसको महीन और मोटा मिला हुआ बोलते हैं और उस कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ भी होगा वे दे जैसे देखिए मेरे पास ये कंक्रीट है ये कंक्रीट है इसमें सीमेंट भी होगा इसमें फाइन एग्रीगेट भी होगा इसमें कोर्स एग्रीगेट भी होगा हो इसकी कुछ अपनी स्ट्रेंथ होगी है कि नहीं अब बोलिए अब जब इसका ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होगी तो अगर हम लोग अगर बार बार पूछेंगे यार कि इसमें फाइन कितना है इसमें कोर्स कितना है इसमें सीमेंट कितना है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है तो अगर इस चार पांच टर्म्स को हम लोग बार बार अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं ये बताने में एक टिपिकल काम है इसलिए क्या किया गया कुछ आ, ऐसा जैसे बोलते हैं कोड लाया गया वैसे भी कंक्रीट का जो मैक कोड है वो किस कोड से चलता है फोर फाइव सिक्स इसी कोड से आई एस फोर फाइव सिक्स से चार पाँच छह से ही चलता है तो कुछ टर्मिनोलॉजी लाया गया है कुछ ऐसे कोडिंग लाई गई जिसके हेल्प से हम तुरंत जाएंगे सीमेंट कितना है कोर्स कितना है और फाइन कितना है कोर्स कितना है स्ट्रेंथ कितना, कितना है ये सारा चीज हम जान जाते हैं और जब इस इस सारी चीज को एक चीज से जाना जाता है तो उसका नाम है एक टर्म दे तो बता देगा अच्छा ये है तो हमको वहां से सब समझ में आ जाएगा उसमें कितना है, फाइन कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है उसके से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मालूम कर लेंगे उस कंक्रीट का अब क्या होगा आसानी होगा किसी को बताने में तो वो टर्म्स जो कहलाता है जिसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेड क्या नाम उसका ग्रेड अब ये ग्रेड क्या होता है इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं तो इसमें दो टर्म्स आते हैं बेटा है। एक एम और उसके बगल एक लिखा होता है कोई अंक अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये एम और अंक क्या बता रहे है? ये सब एक कोडिंग है क्या है ये कोडिंग है तो किसके बारे में बताएगा सेमेंट फाइन कोर्स और स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा अब देखिएगा एम एम आपका क्या है? एम मिक्स है। क्या है 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 एक्चुअली मिक्स मिक्स या मिक्सर कह सकते हैं अब मिक्स होगा तो आपके दिमाग में आगा कई चीज का मिलावट हां ये कई चीज का मिक्सर है इसमें क्या होता है सेमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट रेशियो बना दीजिए प्लस कोर्स एग्रीगेट महीनों मोटा और ये सीमेंट तो किस किस चीज का मिक्सर होता है सेमेंट का फाइन का और कोर्स का मिक्सर होता है तो ये एम किसको बताता है मिक्स को बताता है सेमेंट फाइन ओ कोर्स एग्रीगेट के मिक्स को बताता है अब ये अंक किसको दिखाता है बेटा ये अंक जो दिखाता है जो भी अंग एक दो तीन चार पांच छह सात जो भी आप कोडिंग आपको आई एस फोर फाइव सिक्स की करस्पॉन्डिंग है ठीक किसको दिखाता है ये दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है और इसको जो शो किया जाता है एफ सी के एफ सी तो ये अंग कुछ भी हो सकता है वो कोट के हिसाब से होगा देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं देखिए एग्जांपल एम और एंग ट्वेंटी फाइव ले रहा हूं क्या ले रहा हूं ट्वेंटी फाइव इसके मतलब ग्रेड का कंक्रीट है क्या है ट्वेंटी फाइव ग्रेड का कंक्रीट है तो आई एस फोर फाइव सिक्स के करस्पॉन्डिंग एम ट्वेंटी फाइव का जो मिक्स होता है ये किसका मिक्स होता है बेटा एम सेमेंट का सेमेंट का फाइन का और ये कोर्स का अब इसमें सेमेंट जो होगा वन होगा फाइन वन होगा और ये कोर्स का एग्रीगेट कितना होगा टू वन वन टू एम ट्वेंटी फाइव सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए हम लोग आई एस कोर्स से लिख दिए फोर फाइव सिक्स से इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा एग्जाम में यह भी पूछा जा रहा है चाहे वो जे हो एस हो या गेट हो इसका यूज लगता है तो इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं एम ट्वेंटी फाइव है अभी थर्टी हो जाएगा तो ये ग्रेड चेंज हो जाएगा ये जो थर्टी हो जाएगा तो ग्रेड का एम हो जाएगा तो थर्टी ग्रेड में क्या होगा सेमेंट फाइन और कोर्स का रेशियो सेम अलग अलग हो जाएगा सेम नहीं रहेगा अलग अलग हो जाएगा

आप टेबल से देख लेंगे थर्टी के लिए इस तीनों का रेशियो कुछ अलग अलग होगा एग्जाम में पूछा जाता है तो आई होप समझ गए ग्रेड क्या होगा ग्रेड दो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एक मिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और एक इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आई होप आप समझ गए होंगे अब आगे हम लोग चलते हैं ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में और थोड़ा समझते हैं इतना थोड़ा राइट डाउन करिए नोट करिएगा फिर आगे चलते हैं क्या हमारा कै कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें एक टोम्स आता है जैसे बाय वे आप एम ट्वेंटी यूज किए ट्वेंटी ग्रेड का आप कंक्रीट यूज किए ट्वेंटी ग्रेड का अब मुझे टेस्ट करना है क्या करना है टेस्ट करना है अभी तो यहां से आप देखे होंगे एफ सी के आप ट्वेंटी है। है? है? है ट्वेंटी तो आप टेस्ट करिए क्या ये एक्सेप्ट होगा कैसे हम लोग एक्सेप्टेंस में लाएंगे टेस्ट करके कैसे एक्सेप्टेंस में लाएंगे और कैसे कहेंगे हाँ ये ठीक है ट्वेंटी एफ सी के क्या है ट्वेंटी एफ सी के ट्वेंटी कैसे चेक करेंगे उसके लिए देखिएगा हम लोग क्या करते हैं क्यूब बनाते हैं इस टाइप का क्यूब ले लेते हैं और क्यूब की जो साइड होती है क्यूब के सिक्स सिक्स फलक होते हैं हर साइड सेम होती है 150 mm लेते हैं और इस क्यूब के अंदर कंक्रीट हम भर दे रहे हैं अभी एग्जाम्पल में हम यही ले रहे हैं क्या हमको ये चेक करना है एम ट्वेंटी ग्रेड का जो हमारा एम ट्वेंटी ग्रेट का जो कंक्रीट है कंक्रीट है क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या 20 ही है इस चीज को हम लोग चेक करते हैं तो चेक कैसे करेंगे हम लोग एक 150 मीम mm का कोई कंटेनर बना लेंगे उसके अंदर हम लोग कंक्रीट डाल दिए मजेसा समझ रहे हैं? और इसकी जो तराई क्यूरिंग करेंगे तो तराई करेंगे हम लोग 28 डे पे करेंगे कितना करेंगे 28 डे पे करने पर कितना ट्वेंटी एट डे करने पर क्योंकि करीब नाइन्टी नाइन परसेंट स्ट्रेंथ मिल जाती है कितना स्ट्रेंथ मिल जाती है नाइन्टी नाइन परसेंट स्ट्रेंथ मिल जाती है तो हम लोग क्या किए mm का क्यूब लिए और हमारा जो तराई कर रहे हैं जो ग्यूरिंग कर रहे हैं वो अट्ठाईस दिन पे कर रहे हैं अट्ठाइस दिन तक कर रहे हैं और अट्ठाईस दिन बाद एक्चुअली क्या होता है कि अपन लोग क्या करेंगे टेस्ट के लिए सिर्फ एक आ, क्यूब नहीं लेंगे ऐसे हमारे पास कितने क्यूब होंगे ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया ऐसे डॉट 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 ये हंड्रेड तो नंबर ऑफ क्यूब हम कितना लेंगे टेस्ट करने के लिए किसका टेस्ट कर रहे हैं कि एम ट्वेंटी ग्रेड का जो कंक्रीट है क्या उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बीसी है कि नहीं है ये चीज हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सौ क्यूब लेंगे कितना लेंगे सौ क्यूब लेंगे और जब सौ क्यूब लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग इस पर टेस्टिंग में क्या करेंगे इस पर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे इस तरीके से तो इस पर इस तरीके से कंप्रेसिव लोड लगाएंगे लगाते हैं लगाते लगाते एक टाइम क्या हो गया ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के जस्ट पहले जो रीडिंग आएगी कंप्रेसिव की, की कि कितना मैंने लगाया वही उसकी क्या होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है तो बाई द वे मैं पहले पर लगाया तो डॉट डॉट कर दे रहा हूँ जैसे यहाँ पे वन है यहाँ पे फोर यहाँ पे टेन हो गया यहाँ पे फोर्टी हो गया ऐसे क्यूब एक क्यूब दस क्यूब चालीस क्यूब डॉट डॉट सब क्यूब तो पहले भी मैंने बाई लिया तो ये एट्टीन पॉइंट फाइव आ गया दूसरे पे जब मैं टेस्ट किया तो मेरा आ गया एट्टीन पॉइंट नाइन तीसरे पे नाइनटीन पॉइंट फाइव तीसरे पे आया नाइन पॉइंट सिक्स चौथे पे नाइनटीन पॉइंट सेवन ये फिर कितना आ गया ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डॉट 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 थर्टी थर्टी वन ऐसे हमारा आता गया तो आप कहोगे सर अब क्या बता रहे हो तो अब हमें यह देखना पड़ेगा जो हमारा एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है उसमें यह बताता है वो ये बताता है कि जिस ग्रेड का आप ये चेक कर रहे हो ऐसे एम ट्वेंटी ग्रेड है तो ट्वेंटी को पकड़िए और इसमें जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप देखें देखिए आप ट्वेंटी से कम कितनी वैल्यू आई है ट्वेंटी से कम कितनी वैल्यू आई है देखिए एक दो तीन चार पांच पांच वैल्यू आई है ट्वेंटी से मतलब सौ में पांच वैल्यू मतलब पांच परसेंट जो आई है वो क्या आई है क्या आई है वैल्यू जो आई है सौ में पांच परसेंट वैल्यू आई है उस से क्या है? कम आई है और अगर यही पांच परसेंट वैल्यू मेरी बात समझा इस पांच परसेंट वैल्यू से अगर ज्यादा आ जाएगा तो हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे एक्सेप्टेंस का ये स... एक्सेप्टेंस का ये रूल होता है कि जो मेरा वैल्यू आया ना वो पांच परसेंट से ज्यादा ना किससे जिसका आप चेक कर करो जिसका आप चेक कर हो अब देखिए आप ट्वेंटी चेक कर रहे थे और ट्वेंटी से कम कितनी वैल्यू आई पांच तो पांच से ज्यादा तो नहीं है ना पांच से पांच ही है पांच से कम है मैं समझ रहे हैं पांच या पांच से क्या है आपका कम है तो पांच या पांच से अगर कम रहेगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे बाई द वे देखिएगा अगर यही नाइनटीन पॉइंट एट आ जाता अब ये, अब देखिए कितना हो गया, ट्वेंटी से कम एक दो तीन चार पांच छ कितना आ गया छ वैल्यू आता मैं कहता इसका एफ सी के ट्वेंटी नहीं है मतलब ये नॉट एक्सेप्टेंस क्या होगा नॉट एक्सेप्टेंस इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको हम लोग अपने फील्ड पे नहीं उतारेंगे तो आपको इस समझ में आ गया होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यही होता है कोई पूछे कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है तो कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी ग्रेड uh, का स्ट्रेंथ होता है जिसमें जब हम टेस्ट करें तो पांच परसेंट से ज्यादा वैल्यू फॉल ना करे। मेरा समझ रहे? पांच परसेंट से ज्यादा वैल्यू टेस्ट को फॉल ना करे मतलब देखिएगा हमने हंड्रेड में चेक किया पंचानवे परसेंट वैल्यू जो वो सही निकल जाए और पांच परसेंट वैल्यू अगर गलत निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे। लेकिन अगर ये वाला टर्म चला गया मतलब तो समझे अगर हम इंग्लिश में डिफिनेशन पढ़ूंगा तो देखिएगा स्ट्रेंथ कंक्रीट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन पांच परसेंट टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल Not more than 5%, 5 से ज्यादा आपका आ, नहीं जाना चाहिए नहीं तो वो फॉल कर जाएगा मेरी बात समझ हो रहे? नहीं तो वो टेस्ट जो होगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रफ करूं करूंगा क्वेश्चन पूछा जाता है कितना क्यूब लिया जाता है तो क्यूब कितना लिया जाता है बेटा सौ क्यूब लिया जाता है और वैल्यू जो मेरा हो वो आ, कितने परसेंट से ज्यादा नहीं फॉल करना चाहिए तो मोर देन पांच परसेंट सिंगल नॉट बी मोर देन फाइव परसेंट परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पांच परसेंट तक अगर फेल है तो हम ले लेंगे पांच परसेंट तक अगर फेल है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे हम कहेंगे ठीक है थर्टी तो ले तो तो ग्रेड दिख का आपका कंक्रीट लिया मैं सौ क्यूब लिया एक सौ पचास की तराई करने पर मैंने उस पर टेस्ट करना स्टार्ट किया टेस्ट करना स्टार्ट किया तो जो सौ टेस्ट किया उसमें वैल्यू कितना मिल रहा है डॉट डॉट इस तरीके से मिला अब क्या ये टेस्ट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा ये सौ वैल्यू जो मैंने टेस्ट किया है क्या इसका तीस है एफ सी के तो सबसे पहले इस टेस्ट के जाएंगे और टेस्ट में पकड़ेंगे इस तीस से कम कितना है एक दो तीन चार पाँच कहेंगे क्या आएगा नॉट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा छ हम नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे हम कितनी गलती पे बर्दाश्त कर पाएंगे मैक्सिमम पांच नॉट मोर देन फाइव परसेंट पांच परसेंट से अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पांच परसेंट तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन देख रहे कितना अच्छे हो रहा है लेकिन अगर यहीं पर बेटा आ, ये थर्टी पॉइंट वन हो जाता है ये 30 हो जाता तो एक दो तीन चार पाँच तब क्या कहते हैं ये पाँच है कहते हैं ठीक है, है एक्सेप्ट कर लूंगा मैं टेस्ट तब फिर मैं खट से बोल देता कि एफ सी के कितना है 30 ठीक है समझ में कि नहीं बताइए आगे चलो आई होप आपको समझ में आ गया एफ सी के चलो आगे चलिए इसमें देखिएगा एक टॉपिक्स और जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया वो आपको मालूम है एक स्ट्रेंथ है एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जिसमें अगर टेस्ट हम करें सौ ट्यूब लेंपल में और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालें तो वो जिस ग्रेड का कर रहे हैं उसमें पाँच परसेंट फॉल आए तो एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन अगर पाँच परसेंट से ज्यादा फॉल आती है तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा अब देखिएगा एक और स्ट्रेंथ है बेटा जिसको बोलते हैं टारगेट मीन टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये क्या होता है इसको चलो दिखा देता हूं एफ एम से इसको एक ग्राफ से देखते हैं यहां पे मैं स्ट्रेंथ को दिखा दे रहा हूं यहां नंबर ऑफ क्यूब नंबर ऑफ क्यूब

या न्यूटन अपॉन एमएम स्क्वायर में था दीजिएगा। तो ये स्टैंथ को इस पे दिखाएंगे और इस पे वो चीज दिखाएंगे जो स्टैंथ बार-बार रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू इज रिपीटेड वैल्यू इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम वैल्यू इज रिपीटेड इस पे दिखाएंगे बाय द मेरे पास क्या है अभी चलिए ठीक है और फिर कोई स्टैंथ पकड़ा यहां पे

इसको सिग्मा बोलते हैं सिग्मा की भी याद दिलाया होगा ये ग्राफ आप पढ़े जरूर हो गए इंजीनियरिंग इंजीनियर हो गए तो आप पढ़े इस तरीके प्लॉट ये ग्राफ हमको याद दिलाता है इसमें बताना चाह रहा था वो लेकिन मैथमेटिक्स का है आ, मैथमेटिक्स में हम लोग देख लेंगे उसमें अब देखिएगा इसमें कुछ ग्राफ तक बेटा जो होगा यहां तक होगा जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी पांच परसेंट तक होगी ये और जब पांच परसेंट तक स्ट्रेंथ होगी तो ये क्या होगा एफ सी के क्या होगा एफ सी के एफ सी के क्या होता है कि भैया वो 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 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होती होती है है उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वो जिसमें पांच परसेंट से ज्यादा क्या होता है पांच परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है इसमें फिर यहां तक हो गया उसके बाद देखिएगा इसमें कई हमारे पास होंगे स्ट्रेंथ तो उसका अगर मीन निकाले तो मीन स्ट्रेंथ ये निकलता है ये एफ एम बोलते हैं और एफ सी के और मीन के बीच का डिफरेंस होता है के है, सिग्मा यह होता है और इस दोनों में अगर रिलेशन देखें तो ध्यान दीजिएगा एफ एम इक्वल टू होता है एफ सी के प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू यह होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चंस बहुत आते मीन पूछता है या तो डायरेक्ट देगा एग्जाम में या तो फिर क्या कर देता है, ये F लेता है। इसके लिए हमें तो इस दिया, एक, दिया नहीं जाता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा ये आपके पास चार्ट है देखिएगा जैसे आपके पास एम टेन से आपका अगर फिफ्टीन से हो तो साढ़े तीन लेंगे थ्री पॉइंट फाइव ये क्या आपका सिग्मा की वैल्यू

अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि अब एफ सी के एफ सी के देखो देखिएगा गेट में भी एस सी में पूछा जाता है ये एफ एम पूछ लेगा सिर्फ एक ग्रेड दे देता है जैसे दे दिया एम टेन दे दिया एम टेन के लिए पूछ ले एफ एम क्या होता है एफ एम बराबर जानते हैं एफ सी के होता है प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव इंटू सिगमा होता है अब एम टेन के लिए आपको सिग्मा भी मालूम हो गया थ्री पॉइंट फाइव एफ एम टेन यहां पे टेन लिखा है तो यहाँ पे जो कोडिंग होता है वही एफ सी के होता है तो एफ सी के आपका टेन हो गया और 1.65 पॉइंट सिक्स फाइव इंटू थ्री दे दिया ये आपका आंसर हो जाएगा कहने का मतलब एफ निकालने के लिए सिर्फ एग्जाम में सिर्फ ग्रेडिंग दे देगी दे बस क्या दे देगा सिर्फ ग्रेडिंग दे देगा दे दे मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई अगर वो ग्रेडिंग नहीं देगा तो ग्रेडिंग पूछ सकता है क्या देगा एफ एम दे दे और एफ सी के दे एफ एम एफ सी पी के दे दे, -के दे और सिग्मा को दे, दे सिग्मा निकाल लेंगे बोल दे तो सिग्मा आप निकाल लो बाई दिग्मा आप थ्री पॉइंट फाइव पा गए तो खट से आप आपको एम टेन ग्रेड ग्रेडिंग पूछ सकता है बात मेरी समझ समझे क्वेश्चन मैंने दिया भी है उसको आप करिएगा तो हम लोग क्या देखें हम लोग ये देख लिए ग्रेड क्या होता है ग्रेड के बारे में भी हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है इसको बारे में भी हम देख लिए उसके बाद टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है इसको भी हम लोग एनालिसिस कर लिए तो आई होप जो क्वेश्चन आपको शुरू से लास्ट तक दिखा उसको जरूर सॉल्व करिएगा जिससे हमारी थ्योरी स्ट्रांग हो और हम लोग जेई के ज्यादा करीब हों और जो भी सेमेस्टर है वो तो छोटा मोटा एग्जाम होता है वो तो आराम से आपका हो ही जाएगा बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट है इसको क्या करना कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना बड़ा आसान है नंबर दे के जाएगा दस, दस नंबर करीब क्वेश्चन और सीटी मिला दिया जाए तो कम सीटी और दोनों ट्वेंटी मार्क्स भी पार हो जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा एकदम मैंने सारा चीज आपको सामने रखने की पूरी ट्राई किया है जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर भी बोलते हैं ध्यान दीजिएगा इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर भी बोलते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे बिकॉज टेंसाइल स्ट्रेस छूटा है मॉडलरोसियो भी छूटा है तो हम लोग वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे ठीक है वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करना देखना इंजॉय करना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके थैंक यू